जबलपुर गीता कॉलोनी में दिन दहाड़े लूट और हत्या, लुटेरे फरार। क्या? अरे रात को तो अखबार रहने दीजिए। सुबह कभी कभी अखबार पढ़ लिया करो। हमारे कॉलोनी में जो पिछले महीने लूट हुई थी ना, वो लुटेरे फरार है, पकड़े नहीं गए अब तक। वो पकड़े जाएंगे, आप खाना खा लीजिए। चलो। बोला रोटी लेके आना। बोला पापड़ ले गया। टीना चलो बेटा सोने, कल स्कूल है ना। गुड नाइट टिंटनी। मासी मेरा नाम टिंटनी नहीं टीना है। अच्छा गुड नाइट दीदी। गुड नाइट जीजू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और आप भी चलिए। सुबह तुम एक काम करो, टीना को लेके जाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है? हाँ आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, लत नहीं छोड़ते। चलो मैं आता हूँ। गुड नाइट बेटा। हीना, अरे क्या गाना सुन रही है? चल जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। अभी तो तू अपने दीदी के पास रहने आई और अभी शादी करके चली जाएगी। ठीक है तू जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी से आ जाना। ठीक है? अरे गुप्ता जी आप भी ना। अरे लीजिए ना। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर साहब हमें आपकी हीना बहुत पसंद आई है। अच्छा जी अब इजाजत दीजिए। ठीक है चलिए। नमस्ते। मुझे तो लड़का और उसका परिवार दोनों ही बहुत पसंद आए, हमारी हीना बहुत खुश रहेगी। देखो शोभा हीना सिर्फ 20 साल की है अभी, अभी इसे पढ़ने दो, कुछ करने दो, फिर सही समय आने पर वो शादी भी कर लेगी। इतनी जल्दी क्या है? तो क्या उसे सारी जिंदगी घर में ही बिठा के रखना है? देखो ऐसा है उसके अच्छे बुरे का पता है मुझे, तुम एक काम करो लड़के वाले को सुबह मना कर दो। प्रमोद एक काम करो तुम पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट करो, मैं पहुंच रहा हूँ। नहीं नथिंग टू वरी मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है शोभा इधर आओ। अरे आओ बाबा आओ। क्या ओहो बाप रे इतना गुस्सा? हाँ अरे आज भी तुम्हारा मूड खराब लगता है। एक काम करो हंस दो। अरे हंस भी दो, हंस दो हंस दो। क्या कर रहे हैं? देखो कितनी खूबसूरत लग रही हंसते हंसते रहना चाहिए। I'm sorry, चले मैं नाश्ता लगवाती हूँ, आप जल्दी रेडी होके आ। ठीक ऐसे हंसते रहना। So everyone is ready for breakfast?
मॉर्निंग। हाँ थैंक यू बाबा, आपने बहुत अच्छा काम किया मैंगो लाकर। बेटा मैं तो हमेशा अच्छा काम करता हूँ, अब देखता हूँ कि तुम लोग कितना अच्छा काम करती हो। हीना, मैंने जो तुम्हें बताया था वो किया तुमने? क्या? अरे बिजली डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की। हाँ हाँ मैंने वहाँ फोन कर दिया, वो आजकल में आ जाएंगे। और तीनों तुम्हारा काम? आपको सबसे ज्यादा प्यार करना। शैतान कहे की अच्छे मार्क्स भी लाना, समझी? हाँ भाई भोला, तेरा काम? मेरा काम? हाँ मेरा काम तो आपको अच्छा नाश्ता देना है, आपका ख्याल रखना है, और क्या? और टीना को उसके कराटे क्लास में ड्रॉप कर देना, और आते हुए ना सब्जी लेके आना। जी भोला भैया, आपको पता मैं कराटे क्लास की बड़ी चैंपियन हूँ। अच्छा? और मुझे ना बहुत प्यार करता है और मुझे बहुत मजा आता है। तो आज क्या सिखाएंगे? आज? हाँ? पता नहीं वो। अरे राबिया वॉच भूल गया। तू नाश्ता कर, शायद बिजली विभाग वाले लोग आए होंगे, मैं देखती हूँ। बाहर से किसने बंद कर दिया? दीदी साहब, दीदी दीदी बोला पुलिस को फोन कर। दीदी हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, अभी को छोड़ लेके पहुंचे पहुंचे। एक घर जहां हर तरफ हंसी और मुस्कान खिल रही थी, वहीं कई राज भी पल रहे थे। जहां रिश्तों में गर्माहट थी, वहीं रात की काली परछाई अपनों पे पड़ रही थी। और फिर एक दिन अचानक उसी घर में मौत ने अपना तांडव दिखाया। थी ये किस्मत की मार या था साजिशों का जाल? ये डॉक्टर अमित कुलश्रेष्ठा जबलपुर के बहुत बड़े डॉक्टर थे। पिछले महीने हुई वारदात की तरह ये भी लूटपाट का ही मामला लग रहा है सर। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त घर पे डॉक्टर अमित कुलश्रेष्ठा, उनकी पत्नी शोभा कुलश्रेष्ठा, उनकी साली हीना परिहारी थी, उनकी छोटी बच्ची भी है सर टीना, लेकिन उस वक्त वो घर पे नहीं थी। घर का नौकर है भोला, उस वक्त वो भी नहीं था। घटना घटने के बाद भोला घर के अंदर आया, ये सब कुछ देखा और उसने ही हमें कॉल किया था सर। घर वालों का कहना है कि दो लोग जबरदस्ती आए घर में घुसे और डॉक्टर अमित पर हमला किया, 2.5 लाख रुपए कैश लिए, गहने लिए और फरार हो गए। बुरा
पानी लेकर आओ। मैडम आपने उन्हें देखा तो होगा, वो दिखने में कैसे थे? दीदी 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 पता नहीं सर, उन लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था, काला चश्मा था आंखों में, बाकी चेहरा गमछे से ढका हुआ था। मेरे सामने आपने बिना देखे ऐसे कैसे दरवाजा खोल दिया? सर हमारे घर में कुछ दिनों से मीटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने बिजली विभाग में फोन करके कुछ लोगों को बुलाया था, मुझे लगा वो ही लोग हैं, इसलिए मैंने पीपहोल से देखे बिना ही दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उसने मुझे धक्का दिया। सर बड़ी अजीब बात है, घर में रॉबरी हुई है लेकिन सामान तो कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। इसका मतलब है रॉबरी करने वालों को सिर्फ कैश और गहनों से ही मतलब था। जब ये सब हुआ तुम यही थे ना? नहीं साहब, हम तो टीना देवी को उसके करा टिकला छोड़ने गए थे, और जब हम वापस आए तब देखा दरवाजा बाहर से बंद था। हमने दरवाजा खोला, अंदर देखा पूरा खून खून था, और हमारे डॉक्टर साहब खून में लथपथ पड़े थे, और वो लोग जाते जाते हमारी मैडम और हीना दीदी को बाथरूम में बंद करके चले गए। राजदीप, सिर्फ लूट के लिए इनकी बॉडी पर इतने वार क्यों किए गए? सर वार भी तो बहुत नौसिखिए तरीके से किया गया है, क्योंकि साली का कहना है कि चाकू को ऐसे ऊपर से पकड़ के 13 से 14 वार किए गए थे। लेकिन मारने के लिए तो 3-4 बार काफी होता है। राइट सर, मुझे ये मामला दुश्मनी या नफरत का लगता है, या फिर जिस किसी ने इस लूट को अंजाम दिया है उसकी ये पहली लूट थी। एनीवेज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आओ। राजदीप, इस सीसीटीवी के अलावा आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज निकलवाओ, और घर वालों से वो जो गहने चोरी हुए हैं उनके बिल्स या फोटोग्राफ्स जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो कलेक्ट करो। और सर पिछले महीने भी इस इलाके में जो लूटपाट की घटना घटी थी उसके लुटेरे अभी तक पकड़े नहीं गए। उस केस की फाइल को इसके साथ मैच करके देखो, शायद कोई क्लू हाथ लगे। राइट सर। राजदीप सर, इस बाइक के नंबर से पता लगाओ ये बाइक किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, और इस दूसरे क्लिप में जो पान वाला नजर आ रहा है उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सर ये उन चोरी हुए गहनों की फोटोज, इन्हें सभी ज्वेलर्स के पास सर्कुलेट करवाओ, और उन्हें कहो कि अगर कोई इन्हें बेचने की कोशिश करे तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करे। सर सर उस पान वाले ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था उसके हिसाब से हमने ये स्केच बनवाया। ये आदमी उनमें से नहीं है जिन्होंने पिछले महीने की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, ये देखो। हाँ सर, ये तो अलग आदमी है, और इसकी हाइट लगभग 5'8" 5'9" के आसपास होनी चाहिए, जबकि पिछली लूट में शामिल इन लोगों की हाइट 5'5" के करीब थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी ग्रुप के बाकी के लोग हो सकता है।
इसे सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। जी सर। सर वो लोग जो बाइक लेकर आए थे वो किसी सुनील जोशी का नाम पर रजिस्टर है। सुनील जोशी, बुलाओ सर। सर आओ। सर यही है सुनील जोशी। तुम्हारी हाइट कितनी है? सर 5'8". क्यों? बैठो, तसल्ली से बात करते हैं। ये बाइक तुम्हारी है ना? सर नंबर तो सेम है सर, लेकिन बाइक मेरी नहीं है। 21 जून को तुम कहाँ थे? सर मैं ऑफिस में ही था। आप चाहे तो इंक्वायरी कर लीजिए सर, और मेरी बाइक भी ऑफिस की पार्किंग में खड़ी थी। ठीक है, जा सकते हो। थैंक यू सर। सर आपने इसे जाने क्यों दिया? सिर्फ बाइक का नंबर सेम होने से उसे पुलिस का मेहमान नहीं बना सकता है, लेकिन जो लड़के इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे हैं उनकी हाइट भी 5'8" 5'9" के आसपास की थी। इसके ऑफिस से कंफर्म करो ये सही बोल रहा है कि नहीं। सर सर मैंने चेक किया, सुनील सही कह रहा है, वो ऑफिस में ही था और उसकी बाइक भी पार्किंग एरिया में ही थी। यानी कि वो जो कोई भी है ये बात अच्छी तरह से जानता था कि डॉक्टर अमित के घर में कैश और ज्वेलरी है, और घर वालों ने बिजली विभाग में शिकायत की हुई है। कहीं ये काम किसी जान पहचान वाले का तो नहीं है? देखिए हम आपकी हालत समझ सकते हैं, लेकिन आपका बयान हमें मुजरिमों तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमारा चाची चाची ये कौन है? ये मेरी भतीजी प्रिया है सर, अहमदाबाद में रहती। क्या ये हम बैठ सकते? जरूर। शोभा जी मुझे आपसे सिर्फ एक बात जाननी है कि डॉक्टर अमित की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई ऐसा जो डॉक्टर अमित से नफरत करता हो? मुझे मालूम नहीं सर। किसी भी तरह की दुश्मनी, कोई झगड़ा, अनबन? नहीं सर, डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी सर। वो तो ऐसे इंसान थे जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रहते थे सर। जैसा कि आपने कहा कि वो लोग आपके घर से 2.5 लाख नकदी लेकर गए, आप लोग हमेशा इतने पैसे घर पे रखते थे? नहीं सर, डॉक्टर साहब इतना सारा कैश कभी नहीं रखते थे। वो तो लोन का पैसा था जो उनको किसी को देना था। किसको देना था? डॉक्टर साहब की पहली पत्नी बिंदु को। उनको देने के लिए उन्होंने पर्सनल लोन लिया था सर। पहली पत्नी? जी सर। डॉक्टर साहब और मेरी जब शादी हुई थी तो वो तलाकशुदा थी, लेकिन डॉक्टर साहब और बिंदु की बिल्कुल बनती नहीं थी सर। लेकिन ये 7 साल पहले की बात है सर। तो आपको क्या लगता है बिंदु कुछ कर सकती है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन कुछ दिन पहले पैसों के लिए बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। कैसे समझाओ? और जोर जोर से हंस लो, बहुत हंसी आ रही है ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके। चलो निकलो यहां से, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। एक मिनट शोभा, बिंदु शोभा मेरी पत्नी है, तुम्हें जो कुछ भी कहना है इसके सामने कहो। ठीक है, मुझे पैसे चाहिए। तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे देने के लिए पैसे नहीं है? हाँ मुझे पैसे चाहिए, वरना कोर्ट कचहरी का रास्ता मुझे भी पता है। तुम डॉक्टर साहब से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। ये तो मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ, तूने मेरी बदतमीजी कहाँ देखी है? देख लूंगी मैं तुम दोनों को। तलाक के समय में भी डॉक्टर साहब ने बिंदु को बहुत सारा पैसा दिया था सर, लेकिन कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई थी, और इतने सालों में उसने भी कुछ नहीं कहा सर। लेकिन कुछ दिनों पहले से वो पैसों के लिए अड़ गई, वो ब्लैकमेल करने लगी, धमकियां देने लगी सर। एक नंबर की कमी नहीं है वो शोभा, मेरा घर तोड़ दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। झूठ तो बोलेगी ना, डिवोर्स लेते वक्त मैंने कुछ नहीं मांगा,
पर आज मुझे जब पैसों की जरूरत आन पड़ी तो मैंने डॉक्टर साहब से पैसे मांगे और उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि वो मुझे पैसे देंगे। लेकिन एकदम से पैसों की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी आपको? वो मैं खुद का बिजनेस करना चाहती थी इसलिए मुझे पैसे चाहिए थे। वैसे पूछ सकता हूँ कि आप दोनों का तलाक क्यों हुआ था? मरे हुए लोगों के लिए गलत नहीं कहते लेकिन डॉक्टर साहब एक नंबर के गंदे आदमी थे। ऐसा भी क्या किया था उन्होंने? डॉक्टर साहब ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी लेकिन अपनी भतीजी प्रिया को भी नहीं छोड़ा। अस्पताल घर सब जगह मुंह मारते थे वो। श्री बिंदु डॉक्टर अमित के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है? राजदीप तुम हॉस्पिटल जाओ और ये पता लगाओ कि डॉक्टर अमित का कैरेक्टर था कैसा। तब तक हम प्रिया से मिल के आते हैं। बिंदु के बयान से पुलिस एकदम सख्ते में आ गई। डॉक्टर अमित की छवि अभी तक बहुत ही साफ सुथरी थी लेकिन बिंदु का ये कहना था कि डॉक्टर अमित एक अय्याश आदमी था जिन्होंने अपनी भतीजी प्रिया के साथ दुष्कर्म किए थे। तो क्या था डॉक्टर अमित का सच? अच्छा लो दूध पी लो। दीदी ये डॉक्टर अमित कैसे इंसान थे? उनके साथ कभी भी किसी का कोई गलत संबंध रहा हो या उन्होंने अपने पद का कभी गलत फायदा उठाने की कोशिश की हो? नहीं सर, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया था। बिंदु जी ने हमें बताया कि डॉक्टर अमित का कैरेक्टर ठीक नहीं था, उनके अलग अलग लड़कियों के साथ रिलेशंस थे। सर मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाई का खर्चा उन्होंने उठाया, कोई कैसे ऐसे आदमी के बारे में बुरा सोच सकता है सर? उनका तो ये भी कहना है कि डॉक्टर अमित का आपकी भतीजी प्रिया के साथ भी नाजायज संबंध है। नीच औरत है सर, मेरे और डॉक्टर साहब के प्यार से शुरू से जलती थी और वो प्रिया के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है सर? 11 साल की थी जब डॉक्टर साहब ने उसे घर लाया और अपनी बेटी की तरह पाला है सर। जब प्रिया के माँ बाप की मौत हो गई तो डॉक्टर साहब ने प्रिया को सहारा दिया लेकिन कुछ लोगों को हर रिश्ते में गंदगी ही नजर आती। और हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब का कहीं किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा है सर। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? आपको क्या पता कि डॉक्टर अमित हॉस्पिटल में कैसे थे? क्योंकि मैंने 5 साल डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में काम किया है एज ए हेड नर्स। मुझे आपकी भतीजी प्रिया से मिलना है। कितनी कमीनी औरत है वो, मेरे और मेरे चाचा जी के लिए ऐसे कैसे कह सकती है वो? एक अनाथ को एक बाप की तरह प्यार किया था उन्होंने और कोई कुछ भी कहे, आपको शर्म नहीं आई उसे इस तरीके के सवाल करते हुए? क्या पुलिस वाले किसी से कुछ भी सवाल करेंगे? देखिए मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जाइए आप लोग यहाँ से। बेटा इस बार रानी तो मेरी होगी, इस बार नहीं जाने दूंगा मैं। ए टीना, नहीं पापा मेरी रानी। नहीं नहीं तुम्हारी नहीं, चीटर, यू आर चीटर। नहीं इधर इधर आ, रानी तुम्हारे पास है और मेरी गुड़िया रानी मेरे पास है। पापा पापा मिस्टर पापा पापा आ जाओ ना पापा 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 प्लीज पापा 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 राजदीप पिछले महीने जो लूट हुई थी उसकी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है? सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर ये डॉक्टर अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर डॉक्टर अमित के गले और सीने पे 13 वार किए गए थे लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
डॉक्टर ने यह मेंशन किया है कि शुरुआत के 3 या 4 वार में ही डॉक्टर अमित मर गया था, फिर भी वो उसे मारता रहा। अब तो मुझे पक्का यकीन है ये लूट के लिए किया गया कत्ल नहीं था। कोई तो है जो डॉक्टर अमित से नफरत करता है। इसे लूट की शक्ल देने की कोशिश तो की गई है लेकिन असली मकसद डॉक्टर अमित की हत्या ही थी। सर एक और बात, हीना ने हमसे कहा था कि उसने उस दिन बिजली विभाग में कॉल किया था लेकिन हमारे इंक्वायरी के हिसाब से डॉक्टर अमित के घर की कोई भी कंप्लेंट बिजली विभाग में दर्ज ही नहीं, और हीना के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी उसने बिजली विभाग में कॉल किया ही नहीं था। तुमने बताया था कि तुमने बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करवाई थी और वहां से कोई आने वाला था लेकिन जब हमने पता किया तो वहां तो ऐसी कोई शिकायत दर्ज ही नहीं हुई है। क्या तूने बिजली विभाग में शिकायत नहीं की? बोलो। सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने कॉल नहीं किया था। जीजू ने मुझसे कहा था कॉल करने के लिए पर मैं उस वक्त किताब पढ़ रही थी और फिर ध्यान से ही निकल गया। फिर दीदी ने भी कहा था फोन कर लेना पर मैंने सोचा मैं बाद में कर लूंगी, और जब जीजू ने दोबारा मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया हाँ मैंने कॉल कर लिया है, और मैं कॉल करती हूँ उसके पहले ये सब कुछ हो गया। तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? सर मैं बहुत घबरा गई थी। सर आपको हीना के बात पर यकीन है? जेन्युइन मिस्टेक थी, कई बार लोग बाग काम को टाल देते हैं, लेकिन जिस किसी ने किया है वो ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि डॉक्टर अमित ने बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को घर बुलाया है, और वो ये भी जानता था कि डॉक्टर अमित को लोन के पैसे मिलने वाले थे। वो या तो कोई करीबी है या किसी करीबी के संपर्क में है क्योंकि वो इस घर की पूरी ज्योग्राफी जानता था। हाँ राजदीप। सर हमें जो सुनील जोशी मिला था जिसके बाइक के नंबर उन लोगों ने यूज किया था, एक्चुअली वो सुनील जोशी डॉक्टर अमित की पहली बीवी बिंदु के टच में है। तो फिर सुनील और बिंदु दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर हाँ हम जानते हैं एक दूसरे को। तो तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं हो, तुम्हारा अफेयर चल रहा है। क्या बकवास है ये? कोई सबूत है आपके पास? ये तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स, कैसे रात रात भर तुम दोनों एक दूसरे से बातें करते हो, और जिस रात बातें नहीं कर रहे होते हो उस रात तुम दोनों का मोबाइल एक ही एरिया में एक्टिव होता है। इसके अलावा और भी सबूत ला के दे सकते हैं। हाँ हमारा अफेयर चल रहा है, मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब के कत्ल से हमारा क्या लेना देना? लेना देना है बाइक का सेम नंबर होना, डॉक्टर अमित के घर में 2.5 लाख रुपए कैश का होना, और वो पैसा आपको चाहिए था, साथ ही साथ लाखों की ज्वेलरी की लूट हुई है, और जिस तरीके से डॉक्टर अमित का कत्ल हुआ है ना वो बदले की भावना की ओर इशारा करता है, और आप तो डॉक्टर अमित से काफी नफरत करती थी ना, और वो पैसा आपको अपने बिजनेस के लिए नहीं सुनील के बिजनेस के लिए चाहिए था, इसलिए जैसे ही आपको पता चला कि डॉक्टर अमित के घर में लोन का पैसा आ गया है आपने दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर उनका कत्ल किया और साथ ही साथ वो कैश और वो ज्वेलरी लूट ली। डॉक्टर अमित को मैं क्यों मारूंगी जब वो खुशी से मुझे पैसे देने के लिए तैयार थे? बिंदु जी ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने आपको टालने के लिए पहले हाँ बोल दी हो और बाद में उनका मन बदल गया, और जब आपको ये बात पता चली तो आपने गुस्से में आकर ना सिर्फ उनका कत्ल किया बल्कि वो कैश और ज्वेलरी लेकर वहां से फरार हो गए। मैंने सब कुछ नहीं किया और ये बकवास अपने पास रखी समझे? इंस्पेक्टर साहब आप बिना किसी सबूत के इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। हम क्या क्या कर सकते हैं आपको अंदाजा भी नहीं है। ठीक है पहले सबूत लेके आइए, बाद में जो करना है वो कीजिए। चलिए। सर जब आपको पहले से डाउट था कि सुनील और बिंदु ने ये सब कुछ किया होगा तो आपने उन्हें जाने क्यों दिया? सर रिमांड में लेते सारा सच उगल देता। राजदीप तुमने कभी शतरंज खेली है? जी सर। शतरंज के खेल में अक्सर हमारी नज़र वजीर, घोड़े, हाथी और ऊंट पर होती है, लेकिन अगर सामने वाला खिलाड़ी शातिर है तो वो इसी बात का फायदा उठाकर अपने प्यादों से ही चेकमेट दे देता है। तो मेरी नज़र उस वजीर पर नहीं बल्कि उन प्यादों पर है जिन्होंने बिसात बिछाई है। समझा सर। जिस किसी ने डॉक्टर अमित का मर्डर किया है वो सुनील और बिंदु के संबंध के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, उसने बड़ी चालाकी से सुनील की बाइक को वजीर बनाकर हमारे सामने खड़ा किया और पीछे से अपनी चाल चल गया। डॉक्टर अमित के घर लोन के पैसे रखे हुए थे, उनके घर बिजली विभाग से लोग आने वाले थे, ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक जाल है जो बड़ी चालाकी से बुना गया है। सर मैंने चोरी की ज्वेलरी की सारी पिक्चर सारे सुनार में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी इनकेस कोई उसे बेचने आए, तो आज जबलपुर के बाहर के एक शॉप से मुझे कॉल आया है, कल कोई वहाँ इस ईयरिंग सेट को बेचने गया था, वो सुनार ने इन बालियों को पहचान लिया
और उसने उस आदमी से ये कहा कि वो चोरी का सामान अपने शॉप में नहीं खरीदता क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगे हैं, और उस सुनार ने उस आदमी को आज शाम को अपने घर के बाहर बुलाया है। वेरी गुड। पैसे तो मिल जाएंगे, पहले बाकी के गहने कहाँ हैं वो। साहब, साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब मैंने कुछ नहीं किया, साहब मैंने कुछ नहीं किया। बोल, सच बोल, हट। तू बता दो साहब, साहब उस दिन जब कांड हुआ तो हीना दीदी ने कहा दिखाई दिए। साहब हमें झुमके भीम साहब के कमरे में मिले, हमने तीन चार दिन इंतजार, जब लगा पुलिस को पता नहीं चलेगा तो ये शहर के बाहर लेके आए बेचने के लिए। साहब हमारी माँ को गांव में पैसों की बहुत जरूरत थी। साहब झूठ बोलता है, डॉक्टर अमित को तूने ही मारा है? नहीं साहब, हमने नहीं मारा उनको साहब। अगर तूने नहीं मारा तो उस घर में ऐसा कौन है दूसरा जिसे उस घर की हिस्ट्री ज्योग्राफी से पता है? साहब वो हीना दीदी का एक दोस्त है, बॉयफ्रेंड, अब वो घर में छुप के आता था, सब उसी ने मारा होगा। लड़का उसके अगले दिन भी आया था दोपहर में डॉक्टर साहब से मिलने। कहाँ? अस्पताल में। सर मैं हीना से प्यार करता हूँ और हीना भी मुझसे प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तेरी औकात नहीं है हीना से प्यार करने की, समझा? निकल, निकल! उसके अगले दिन तो पूरा कांड हो गया, लेकिन हॉस्पिटल में तो हम इस झगड़े के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। साहब जब ये झगड़ा हुआ तब डॉक्टर साहब के केबिन में मेरे सिवा और कोई नहीं था। तो तू अभी तक चुप क्यों बैठा था? साहब हमें तो लगा डाका पड़ा है, पर आप लोग हमें उठा रहे, इसलिए जो जो देखा सब बता दिया। साहब जरा इस हीना की कॉल रिकॉर्ड चेक करो। साहब सर हो सकता है भोला सही कह रहा हूं, क्योंकि हीना अक्सर ध्रुव नाम के एक लड़के के साथ फोन पे बात किया करती थी, और उस दिन भी हीना ने ध्रुव के मोबाइल पे फोन किया था, बिजली विभाग में नहीं। और जिस दिन डॉक्टर अमित के घर पे हमला हुआ उस दिन इस ध्रुव के मोबाइल के लोकेशन डॉक्टर अमित के घर का ही है। सर अब बताएंगे हीना को यहाँ क्यों बुलाया है? हम कुछ नहीं बताएंगे, अब जो भी बताएगी वो हीना बताएगी। बोलो हीना, 21 जून को तुमने बिजली विभाग में फोन नहीं किया था बल्कि तुमने किसी और को फोन करके अपने घर बुलाया था, किसे फोन किया था? बोलो ही ना। सर मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। ओ तो हमें ही बताना पड़ेगा। राजदीप सर, सर प्लीज बताइए ना क्या बात है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब पता चल जाएगा। ध्रुव ये कौन है सर? जैसा कि हीना ने बताया ये ध्रुव है, हीना का बॉयफ्रेंड। 21 जून को हीना ने ध्रुव को फोन करके अपने घर बुलाया था। यार तेरा जीजू तो मेरी मानने वाला है नहीं, ऊपर से मुझे बेइज्जत करके भी निकाल दिया। मैंने तो तुम्हें कहा था ना जीजू से बात करके कुछ नहीं होगा। अच्छा ऐसा करो दीदी घर पर ही है, तुम उनसे आके बात कर लो, वो मान जाएंगे। पता नहीं तेरे चक्कर में और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। थी वो मैंने
ध्रुव को घर पे बुलाने के लिए कॉल किया था आपसे मिलवाने के लिए, पर मुझे पता नहीं था कि उस दिन सेकंड सैटरडे जीजू हॉस्पिटल लेट जाएंगे और ये सब हो गया। जी सर, मैं हीना की जीजू से बात करने के लिए हॉस्पिटल गया था जहां डॉक्टर अमित ने धक्के मार के तुझे अपने केबिन से बाहर निकाल दिया। जी बिल्कुल। तो तुझे गुस्सा तो आया होगा? आया था सर, पर उतना भी नहीं जितना कि आप लोग सोच रहे। सर, अगर आपको ये लगता है कि गुस्से में आके मैंने उनका मर्डर किया तो आप गलत है। सर, मैं सिर्फ हीना से शादी करना चाहता था, इसलिए उसकी बहन को मिलना मैं उसके घर गया था, बस। क्या हुआ आंटी? आपको पता नहीं डॉक्टर अमित का खून हो गया है, पैसे जेवर सब लेके चले गए। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई सर, मैं डर गया इसलिए बाहर से ही निकल गया। राजदीप सर, कहानियां अच्छी बनाता है लेकिन ये नहीं जानता कि पुलिस वाले कहानियों से बहलते नहीं हैं। इसे इसी लॉकअप में रखो। सर सर मेरी सर प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। पुलिस को भोला, बिंदु, सुनील और ध्रुव पे शक था। मामला लूट और खून का था लेकिन पुलिस को बार बार यही लग रहा था कि ये कहानी कुछ और ही है। पुलिस को शक तो था लेकिन वो पक्के तौर पर ये नहीं कह सकती थी कि कत्ल में इन चारों में से किसी एक का हाथ है या फिर कोई और है जिसने डॉक्टर अमित को मारा था। इस बीच में पुलिस के पास एक खबर आई। हेलो सर, पिछले महीने हुए लूट के आरोपी पकड़े गए हैं, आज शाम तक हमारी दूसरी टीम उन्हें थाने ले आएगी। ओके सर, पिछले लूट के आरोपी पकड़े गए। इक्कीस जून की दोपहर गीता कॉलोनी जबलपुर में एक डाका डाला गया था, ठीक उसी तरीके से जैसा तुमने एक महीने पहले डाला था। इन लोगों ने भी हेलमेट पहने हुए थे, सनग्लासेस चढ़ाए हुए थे और चेहरे पे गमछा बांधा हुआ था। जी नहीं साहब, उस लूट में लोगों ने हमें मार मार के हमारा हेलमेट तोड़ दिया और हमारा चेहरा देख लिया। स्केच देखो, तुम्हारे ग्रुप का आदमी है ये? जी नहीं साहब, ये मेरे गिरोह का नहीं है। हम कैसे मान लें कि तू सच बोल रहा है? हो सकता है तो अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा। जी नहीं साहब, हम उस लूट के बाद जबलपुर से बाहर चले गए थे और रायपुर में हम अंडरग्राउंड हो गए। सर, हमने अपनी पूछताछ में वेरीफाई किया है, ये सही कह रहा है। सस्पेक्ट नंबर एक सुनील जोशी, डॉक्टर अमित के घर जो लूट हुई थी और उस लूट में जो बाइक इस्तेमाल हुई थी उस बाइक का नंबर इसकी बाइक से मैच करता है। सस्पेक्ट नंबर दो बिंदु, इसे डॉक्टर अमित से लोन के पैसे चाहिए थे। सस्पेक्ट नंबर तीन भोला, ये सोने के झुमके बेचता हुआ पकड़ा गया। राजदीप, एक ही तरह की दो वारदातें हुई हैं और दोनों का मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट सेम है। पिछले महीने जो वारदात हुई थी उसके दोनों एक्यूज्ड हमारी हिरासत में हैं, लेकिन उनका कहना है कि डॉक्टर अमित के घर जिन लोगों ने वो वारदात को अंजाम दिया वो इनके गैंग के नहीं है। और जिन लोगों ने डॉक्टर अमित के घर हुई लूट को अंजाम दिया था वो पान वाले से डॉक्टर अमित के घर का एड्रेस पूछ रहे थे। आखिर ये माजरा क्या है? तुम बाइक लाए हो? यस सर। चलो। डॉक्टर अमित कुलशेठ का घर कौन सा है? अच्छा, कुछ सुनाई नहीं दे रहे सर। डॉक्टर अमित कुलशेठ का घर कौन सा है? हाँ जी। राजदीप, तुम्हें कैसे पता कि तिजोरी ऊपर है? सर, कितनी बार तो आ चुके हैं हम। स्टार जा, तुम दोनों इधर आओ, इधर आओ। स्टॉप। राजदीप, तुम्हें कैसे पता कि कौन सी चाबी है? सर, कौन सी ये तो नहीं पता, एक एक करके सब ट्राई करते हैं। राइट, इस तिजोरी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजवाओ और यह पता लगवाओ कि क्या इस तिजोरी को बार बार गलत चाबी लगा के खोलने की कोशिश की गई थी। सो कंटिन्यू। अभी तक सारी चाबियां तो लगा ली होंगी ना?
Yes, sir. Count three and come down. Sir. Chalo. One, two, three. Start. तुम अंदर चलो अंदर चलो दोनों मैं नहीं जाऊंगी अंदर जाओ मैं नहीं जाऊंगी ए चलो स्टॉप सॉरी टू बॉदर यू लेकिन ये रिक्रिएशन हमारे लिए बहुत जरूरी था थैंक यू आ जाओ सर तिजोरी की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है आपका शक सही था तिजोरी में चाबी जबरदस्ती घुसाई नहीं गई थी मतलब उन लुटेरों को पता था कि सही चाबी कौन सी है हमारी एक्सरसाइज के हिसाब से हमें उस वारदात को अंजाम देने में 20 मिनट लगे थे जबकि सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से लुटेरे 13 मिनट में अपना काम करके वहां से निकल गए थे राजदीप हमने इन सब से बात की बिंदु और सुनील का कहना है कि उन्हें घर के अंदर का कुछ नहीं पता था वही ध्रुव का भी कहना है कि उसे घर के अंदर की पूरी जानकारी नहीं थी हालांकि मुझे इसकी बात पर पूरा यकीन नहीं है अब बचे ये चारों जो घर से अच्छी तरह से वाकिफ थे ये कांड इनमें से किसी ने किया है या करवाया है गुड न्यूज सर सर ये रहे शोभा और प्रिया के कॉल रिकॉर्ड्स शोभा लगातार प्रिया के टच में थी लेकिन मर्डर के 2 दिन पहले से प्रिया का फोन बंद था लेकिन इस नंबर से शोभा को लगातार कॉल्स आ रहे थे ये नंबर यहीं जबलपुर में बेड़ा घाट के पास एक होटल का है और सर 3 दिन बाद प्रिया का फोन यहाँ जबलपुर में ऑन हुआ वेरी इंटरेस्टिंग चलो होटल यस सर स्केच देखिए जरा ये आदमी आपके होटल में आया था सर यहाँ इतने लोग आते हैं सबका चेहरा याद रखना मुश्किल है तो फिर ये बताइए कि आपके होटल से बार बार फोन क्यों किया जा रहा था ये आपके होटल का नंबर है ना हाँ सर हमारे होटल का नंबर है तो जरा चेक कीजिए इतने सारे कॉल्स किसने किए सर रूम नंबर 3 से कोई लेडी थी प्रिया मेहता अब शुरू करो मुझे ये कहानी शुरू से सुननी है सर अमित एक नंबर का अय्याश आदमी था शादी से पहले जब अस्पताल में एक 16-17 साल की लड़की 3 बार अबॉर्शन के लिए आई थी लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि वो लड़की कोई और नहीं उस नीच आदमी की सगी भतीजी थी प्रिया जब मैं 11 साल की थी तो मेरे माँ बाप गुजर गए थे और चाचा जी मुझे अपने साथ लेकर आ गए पहले हम कहीं और रहते थे बिंदु चाची जी के साथ और वहां पे चाचा जी ने मेरे साथ रेप किया शादी के बाद मुझे उसकी हैवानियत के बारे में पता चला वो प्रिया के साथ लगातार बलात्कार करता है तो आप लोगों ने डॉक्टर अमित की शिकायत पुलिस से क्यों नहीं वो बहुत बड़ा आदमी था सर पुलिस को बताती तो क्या होता प्रिया की बदनामी उससे शादी कौन करता इसलिए मैंने जल्दी से प्रिया की शादी करवा दी लेकिन उसके बाद मेरी मम्मी पापा ने कहा कि हीना को मैं अपने साथ रखूँ और उसको पढ़ाऊँ मैं हीना को उस दरिंदे से बचाना चाहती थी इसीलिए मैंने उसे हॉस्टल में डाल दिया लेकिन इस कमीने ने मेरे माँ बाप से बात करके हीना को घर ले आए मुझे पता चल गया था कि उसकी गंदी नज़र हीना पर भी है और
शोभा चाची ने मुझे कॉल करके बताया कि चाचा जी की बुरी नजर अब हीना के ऊपर है, इसीलिए मैंने सारी बात अपने पति को बता दी और उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर उस दरिंदे को मार दिया। मुझे कोई दुख नहीं है उसको मारने का। दे चाबी, दे चाबी, दे चाबी, दे। लेकिन आपने उन्हें मारकर ना सिर्फ अपनी प्रिया की बल्कि अपनी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। शोभा और प्रिया के बयान पे पुलिस ने उन दोनों अपराधियों दिलीप शर्मा और मनोज कुमार जिन्होंने डॉक्टर अमित का खून किया था को अपनी हिरासत में ले लिया और अब शोभा और प्रिया भी सलाखों के पीछे थे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।